हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मुत्तूत फाइनेंस काफ़ी खतरनाक तरीके से आज इसकी पिटाई हुई है मार्केट में, जो हमने दोस्तों फ्राइडे, सैटरडे, संडे तीनों दिन अपडेट कर दिया था कि मुत्तूत फाइनेंस की बहुत गंदी तरीके से पिटाई होगी, क्योंकि कंपनियों ने Q1 के नंबर अच्छे दिखाए तो भी उनकी पिटाई हुई, नहीं दिखाए तो भी उनकी पिटाई हुई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 12% की आज इसकी पिटाई हुई है इंट्राडे मार्केट में। ठीक है, 1043 रुपये पर स्टॉक क्या हुआ है, क्लोज हुआ है। अदरवाइज आप देखेंगे तो इसका प्रीवियस क्लोज था 1187.40, 1093 पर ओपन होता है, हाई भी सेम प्राइस का लगाता है और लो लगाता है 1009.30। उसके साथ आप देख सकते हैं कि इसका 52 बिक का हाई है दोस्तों 1721.95। ठीक है, और लो है लगभग 960 रुपये के आसपास का। काफ़ी बड़ी गिरावट हमें स्टॉक में देखने को मिली है। 5 दिन की अगर मैं बात करता हूँ, 5 दिन में तो कम गिरावट है, क्योंकि आज ही वो 12% गिर चुका है। 1 महीने में भी दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी आई थी, लेकिन गिरावट दिख रही है। 6 महीने में भी गिरावट है, क्योंकि काफ़ी ऊपर लेवल से हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। 1 साल की अगर मैं बात करता हूँ तो 30% की गिरावट है। 5 साल की अगर मैं बात करता हूँ तो 124% का फिर भी अभी रिटर्न दिख रहा है। और ओवरऑल की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कंपनी मार्केट में 2011 से आई है और लगभग 500% का इसने रिटर्न दिया है। अब देखिए, सभी को पता है दोस्तों कि गिरावट किस रीज़न से हुई है। ठीक है, ये सभी को पता है, लेकिन इस बीच में और भी कुछ एनालिसिस सामने आ रहा है। ठीक है, इस कंपनी से रिलेटेड जो हमको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी चहेती कंपनी है। ठीक है, और लगभग 75 इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में मिलती कंपनी। ठीक है, और उसके साथ ही कंपनी का नाम भी काफ़ी बड़ा है और कंपनी का बिजनेस भी बहुत अच्छा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जिसके कारण दोस्तों इस कंपनी को सभी जन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और हर कोई दोस्तों इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता है। ठीक है, तो चलिए कुछ न्यूज़ आई है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लाइव मिंट की साइट के ऊपर लाया हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्ड लोन प्रोवाइडर, ठीक है, मुत्तूत फाइनेंस स्टॉक लगभग 15% यहाँ पर गिर चुका है। ठीक है, ये क्यों गिरा है यहाँ पर बताया गया है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोस्तों इसको 17% तक का क्या हुआ है, 17.5% तक का इसका जो प्रॉफिट अर्निंग है वो गिरा है। ठीक है, डिक्लाइन हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उसके साथ ही दोस्तों कंपनी का गोल्ड लोन सेगमेंट में, ठीक है, लगभग 90% बिजनेस होता है। ठीक है, उसके बाद ओवरऑल असेट अंडर मैनेजमेंट में भी इसका काम होता है। अगर आप देखेंगे तो अभी क्या हुआ है, अभी जो इनका कस्टमर बेस है, ठीक है, कस्टमर का जो बेस है उसमें भी गिरावट आई है, मतलब ये नए कस्टमर नहीं जोड़ पाए। ठीक है, उसके बाद जो इनके पास और थे, ठीक है, वो भी एग्ज़िट हो रहे हैं दोस्तों इस कंपनी से। ठीक है, तो ये कंपनी के लिए कुछ अच्छी बात नहीं हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस इसका गोल्ड लोन का है। ठीक है, गोल्ड इसके पास अगर नहीं आएगा, ये लोन नहीं देगा, तो ये कंपनी का बिजनेस नहीं चलेगा। क्योंकि अभी क्या है, देखिए पहले तो काफ़ी इस बजट, ये जो बजट गया, ठीक है, इससे पहले दोस्तों गोल्ड लोन कंपनी 75% तक का पैसा देती थी, 25% का पैसा अपने पास रखती थी। ठीक है, उस बीच में अगर गोल्ड गल भी जाता था, मतलब गोल्ड वहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति ये लोन नहीं चुका पाता था, तो वो गोल्ड कंपनी का हो जाता था, तो कंपनी को 25,000 का तो पहले, मतलब 25% का तो पहले मुनाफा हो जाता था। देन उसके बाद जब कंपनी इसको 100% में बेचती थी, ठीक है, तो इसका 75% का जो पैसा है वो तो रिकवर हो जाता, लेकिन 25% और कंपनी एक्स्ट्रा पैसा कमा लेती थी। ठीक है, तो ऐसा काफ़ी जगह से कंपनी पैसा एकत्रित करती थी, लेकिन बजट के बाद बजट में कंपनी को दोस्तों 90% तक पैसा बांटने का अनुमति दे दिया था कि आप खाली अब 10% मार्जिन अपने पास रखेंगे, 90% कस्टमर को देंगे। ठीक है, तो कस्टमर को काफ़ी अच्छा भी रहा, ठीक है, जब कंपनी का बिजनेस अच्छा चल भी रहा था, लेकिन अभी लास्ट कुछ दिनों से कंपनी का जो बिजनेस है वो अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये काफ़ी परेशानी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, अभी मुत्तूत फाइनेंस की तरफ से पूरा क्लेरिफिकेशन नहीं आया है कि इतनी तकलीफ बिजनेस में क्यों देखने को हमें मिल रही है। ठीक है, अब ये बिज़नेस कितनी जल्दी सुधरेगा, ये बिज़नेस अगर Q2 तक सुधर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, या Q4 तक सुधर जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ ये पूरे साल भर में अगर कंपनी को लॉस ही लॉस अगर हुआ तो दोस्तों काफ़ी बड़ी पिटाई कंपनी की होगी और स्टॉक का प्राइस इतना नीचे आ जाएगा कि रिकवर करने में ये 10 बार
सोचेगा, ठीक है। कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटल कंडीशन बहुत अच्छी है, लेकिन ये बिज़नेस को एकदम से क्या हो गया ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, ठीक है। तो जब तक मुथूट फाइनेंस की तरफ से कुछ कमेंट्री नहीं आ जाती, ठीक है, कुछ कंफर्टेबल प्राइस में नहीं आ जाता मुथूट फाइनेंस, जब तक इसमें इन्वेस्टमेंट मत करिए। हाँ, जिसको लगता है कि मैं इस डिप का फ़ायदा उठा सकता हूँ तो वो इस डिप का फ़ायदा उठा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हल्की पतली क्वांटिटी लेकर, ठीक है। ज़्यादा वजन वाली क्वांटिटी मत लीजिए, ठीक है, 10-20-50 क्वांटिटी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और मान लीजिए अगर दिक्कत आती भी तो इतनी क्वांटिटी पे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप दोस्तों ज़्यादा क्वांटिटी उठा लेते हो तो परेशानी आप लोगों को हमें देखने को मिलेगी फिर, ठीक है। तो इसके कारण मैंने अपडेट किया है आप लोगों को, तो इस अकॉर्डिंग इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, डिप का फ़ायदा ऐसा उठा लीजिए, ठीक है। और कंफर्टेबल जोन में आएगा जब अपन अच्छी खासी क्वांटिटी उठा लेंगे और फिर आगे कंपनी का जो भी मूवमेंट रहेगा उसको कैप्चर करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरी कंपनी को देख लेते हैं, और साथ में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मोतीलाल जी की तरफ से 22 घंटे पहले एक टारगेट भी अपडेट हुआ है 1250 रुपये का। उन्होंने टारगेट तो काफ़ी अच्छी तरीके से दिया था, क्योंकि 1187 रुपये का तो स्टॉक का प्रीवियस क्लोज था। उन्होंने सोचा था कि स्टॉक एक जंप लगाएगा, मेरा टारगेट अपडेट हो जाएगा और मैं खड़ा हो जाऊंगा और बोलूंगा कि मेरा टारगेट डन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखते हैं वो 1250 कब तक आता है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी नीचे अभी स्टॉक आ चुका है, परेशानी में देखने को मिल रहा है, प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा है स्टॉक में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि किस हिसाब से स्टॉक का जो मोमेंटम है वो हमें देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों जिस लेवल पे वो आके खड़ा हुआ है 1000 रुपये के, एक साइकोलॉजी नंबर भी है, और पहले भी कुछ समय दोस्तों इस लेवल पे स्टॉक ने बिताया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जो 1500 रुपये का काफ़ी साइकोलॉजी नंबर था, ठीक है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ने समय बिताया था, वहीं से कंटिन्यूसली गिर रहा है, जिसके कारण प्रेशर बढ़ा है। अगर 1000 रुपये का लेवल और टूट जाता है स्टॉक का, ठीक है, तो और प्रेशर हमें बढ़ते देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए अब दूसरी कंपनी को देख लेते हैं दोस्तों, IRCTC। कल ख़रीदा तो मिलेगा, क्या मिलेगा वो आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। IRCTC कंपनी पता है सबको, कितनी शानदार है, मोनोपोली बिजनेस करती है, ठीक है, बहुत छोटे प्राइस पे कंपनी, ठीक है, चल रही है। अंदर ही अंदर कंपनी को जब भी देखता हूँ अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा प्राइस अचीव करने वाली है, करीबन 6-7 हज़ार रुपये का प्राइस बहुत जल्दी अचीव करने वाली है। इसने भर भर के सबको रिटर्न दिया है, आगे भी ये देने वाली है, इसके ऊपर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कितना रिटर्न आगे देगी, कैसा देगी, कंपनी का फंडामेंटल कंडीशन क्या है, सबको पता है कंपनी का फंडामेंटल कंडीशन बहुत मजबूत है, कंपनी का क्या बिज़नेस है, कंपनी किस हिसाब से बिज़नेस कर रही है, ठीक है, वो हमें Q1 के नंबर में देखने को मिल गया है। आगे Q2, Q3 और Q4 में कंपनी और धमाका करेगी, जब तक स्टॉक का प्राइस 1000 रुपये के ऊपर कूद जाएगा, ठीक है, ये डेफिनेटली आप लिख के रख लीजिए। क्यों? क्योंकि कंपनी का बिज़नेस पूरी तरीके से ट्रैक पर आ चुका है, ठीक है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग, ऑफलाइन टिकट बुकिंग, साथ में दोस्तों वहाँ पर अगर देखें टूरिज़्म पैकेज, तरह तरह की कंपनी लॉन्च कर रही है, ठीक है। कैटरिंग वाला बिज़नेस भी धमाकेदार तरीके से चलने लगा है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप IRCTC को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या मिलेगा, चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। IRCTC, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंपनी इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं और देखते हैं कंपनी का डिविडेंड। आज कितना तारीख हुआ? 16, ठीक है, कल है 17 तारीख, ठीक है, और एक्स डेट है 18 और रिकॉर्ड डेट है 19। 1.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड आप लोगों को ये कंपनी देने जा रही है, ठीक है। तो कल 17 तक अगर आपने खरीद लिया तो ये 1.5 रुपये का डिविडेंड आपको मिल सकता है, अदरवाइज आप 18 को खरीदोगे ना, ठीक है, तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्योंकि कोई कोई का प्लानिंग रहता है कि मैं इसी दिन स्टॉक को खरीदूंगा, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि आपका प्लानिंग एक दिन पहले कर लीजिए, ठीक है। आप 18 के सोच रहे थे तो आप 17 को खरीदिए तो ये डिविडेंड आपको मिलेगा, ठीक है। उसके साथ ही अगर हम देखेंगे आज कितना ट्रेडिंग हुआ है, आज करीबन 1,596,000 क्वांटिटी यहाँ पर ट्रेडिंग हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही डिलीवरी आज कितना उठा है, आज डिलीवरी आप देखेंगे तो लगभग 39% तक डिलीवरी कंपनी का उठा है, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो बढ़िया दोस्तों, ये दोनों कंपनियों के बारे में हमने आपको अपडेट किया, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि डेली बेसिस पे ऐसे बेहतरीन अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।